हाँ जी कहां तक हो गया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कंप्लीट हो गया था नहीं हुआ ठीक है ठीक है ट्रांसपेशन चल रहा था क्या चलो ट्रांसपेशन के बारे में बात करने से पहले आपको वाटर की मूवमेंट बताते हैं कि वाटर की मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग कैसे होगी वो पॉइंट नहीं बताया था आपको बता देता हूँ वाटर मूवमेंट सबसे पहले हम बात करें बच्चे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हाइपोटोनिक एंड हाइपर आपके सामने टू सोल्यूशन है अगर वाटर की मूवमेंट होगी तो कहां से कहां होगी हाइपो टू हाइपा तो हाइपो टू हाइपर होगी अगर बच्चे डिफ्यूजन प्रेशर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बताइए Lower lower higher? Higher आपसे पूछा जाए ऑसमोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होगी तो कैसे होगी लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है जी अगला पॉइंट आगे अगर आपसे पूछा जाए टर्गर प्रेशर के अकॉर्डिंग टीपी तो टर्गर प्रेशर के अकॉर्डिंग हायर टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर यानी जहां पे टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वाटर क्या होगा ज्यादा और जहां पे टर्गर प्रेशर कम होगा वहां पे वाटर क्या होगा कम अगला पॉइंट डीपीडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करवाइए डीपीडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करवाएंगे तो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी ठीक है जी बच्चों आगे हम अगर वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करवाएंगे तो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल ठीक है जी ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे से कि वाटर की मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग कैसे रहेगी जब हम ट्रांसफ्लिएशन पढ़ रहे थे तो ट्रांसफन के अंदर हमने बोला था कि प्लांट प्लांट के एरियल पार्ट से प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर होता है उसी को क्या बोलते हैं प्रोसेस को आप मुझे बताइए प्लांट का एरियल पार्ट है उसको क्या? क्या बोला जाता है क्या सूट सिस्टम क्या बोला जाता है सूट सिस्टम और सूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं सूट सिस्टम के अंदर आप लोगों को मिलेगा बच्चे स्टेम स्टेम के अलावा मिलेगा लीफ लीफ के अलावा मिलेगा फ्लावर फ्लावर के अलावा मिलता है फ्रूट अगर इन सब से वाटर का लॉस हो रहा है तो ये सिस्टम से वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और उसको क्या बोला जाएगा ट्रांसपीरिएशन फिर हमने बात की थी बच्चे कि ट्रांसपीरिएशन है उसको किसी साइंटिस्ट ने बोला था अनबल इवेल किसी ने बोला था इसलिए इवेल्ट यही बोला था अगर बच्चों ट्रांसपीरिएशन होगा तो सबसे ज्यादा किसमें होगा क्या बता सकते हो सबसे ज्यादा ट्रांसफर रेट कौन से प्लांट में होगी मीजोफाइट जो नॉर्मल प्लांट अपने सामने आते हैं वो सारे के सारे क्या है अंदर स्पेशल टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं और आप जानते हैं सर्क्यूलेंट जीरो के अंदर स्पेशल टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं जिनको आप संकन स्टोमेटा बोलते हो नाइट टाइम में तो रहते हैं ओपन और डे टाइम में रहते हैं क्लोज तो उनके अंदर जो हाइड्रोफाइड है वो भी ट्रांसफ्रेशन नहीं करते समराइज हाइड्रोफाइड कौन से होंगे जो आधे बच्चों पानी में डूबे हुए और आधे पानी से बाहर है उनको क्या बोला जाता है समराइज हाइड्रोफाइट्स और उनमें ट्रांसफ्रेशन नहीं होता आगे हमने पढ़ा था कि ट्रांसफरशन कितने टाइप का है थ्री टाइप का कौन कौन सा बताओ जरा क्या बच्चे दूसरा कौन सा था, और कौन सा था? Transpiration. Transpiration चलती है? किसको बोलते हैं टोटल लीफ से होने वाला ट्रांसफन है क्या? उसको फोलियर बोलेंगे तो फोलियर के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे स्ट्रोमेटल एंड क्यूटिकुलर ठीक है जी फिर हमने बात की थी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ की। की 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 जब की की बात करें, तो वहां पे मिलती है है? आपको गार्ड गार्ड सेल। सेल आउटर वॉल क्या होती थिन। और वॉल क्या रहती है? Thick. Thick और को रहते। वो करते है ठीक जी? अटैच करते हैं कैसे माइक्रोफाइब्रिल कैसे प्रेजेंट रहेंगे या फिर बच्चे रेडियली रेडियली ये पता है अब देखो आगे बात करते हैं और बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग बच्चों ये एक गार्ड सेल ले रहे गार्ड सेल कितनी ले रहे हैं एक और गार्ड सेल उस गार्ड सेल के अंदर हम देखते हैं तो आउटर वॉल तो क्या होती है थिन और इनर वॉल क्या रहती है थिक तो इनर वॉल को थोड़ा थिक बना लेते हैं ये आउटर वॉल है तो आउटर वॉल कैसी रहती है बच्चे थिन और ये कैसी है थिक है और आउटर और इनर वॉल दोनों आपस में क्या सेल्लॉजिक माइक्रोफाइब्रिल से अटैच रहती है तो ये क्या है सेलोजिक माइक्रोफाइब्रिल ये सेलोजिक माइक्रोफाइब्रिल कैसे रेंज रहते हैं क्या रेडिली और कैसे रहते हैं रेडिली अब स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग कैसे होगी वो डिटेल में समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझे मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं बता रहा हूं पहले रफ आइडिया दे रहा हूं उसके बाद में कंप्लीट मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे अगर बच्चों स्टोमेटा को ओपन करना है तो गार्ड सेल को बनाना पड़ेगा टर्जिड अगर गार्ड सेट फ्लेसिड रहेगी नॉर्मल सेप में रहेगी तो फिर बच्चे स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे अगर नॉर्मल शेप में रहेगी तो ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरी गार्ड सेल है ये नॉर्मल सेप में है क्या आप लोगों को दोनों सेल के बिटवीन कोई पोर नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है तो अभी स्टोमेटा क्या है क्लोज अब इनको अगर ओपन करना है तो कैसे करें सबसे पहले बच्चे इन गार्ड सेल के इन साइड सोल्यूट की कंसेंट्रेशन को किया जाता है इंक्रीज जब गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो फिर बच्चे वाटर की डिमांड गार्ड सेल के अंदर बढ़ने लगेगी जब वाटर की डिमांड बढ़ने लगेगी तो वाटर बच्चों गार्ड सेल के अंदर जाएगा और जब वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस और जब एंडो ऑस्मोसिस होगा तो बच्चे धीरे धीरे वाटर अंदर जाके टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा जब ट्रगर प्रेशर जनरेट करेगा तो सेल हो सेल होने लगेगी टर्जिट लेकिन बच्चों हम देख रहे हैं गार्ड सेल के अंदर एक वॉल तो क्या है थिन और दूसरी क्या है थिक अब दोनों वॉल के ऊपर अगर ट्रगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा इनर और आउटर के ऊपर तो सबसे ज्यादा टर्गर प्रेशर इफेक्टिव किसके ऊपर होगा आउटर पे या इनर पे आउटर पे क्यों ये कैसी है थिन है तो इसके ऊपर अगर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा टर्गर पे सर तो ये आउटर वॉल बच्चों कंटिन्यूस कहा जाती रहेगी बाहर अगर बाहर की तरफ जाएगी तो ये बाहर की तरफ जाएगी तो साथ, साथ में ही क्या ये माइक्रोफाइब्रिल इनर वॉल से अटैच है जब सेलोजिक माइक्रोफाइब्रिल इनर मेमरी से अटैच है तो जब भी ये बच्चों वॉल बाहर की तरफ जाएगी तो ये इनर वॉल है इनर वॉल को भी बाहर की तरफ खेचेगी जब यहाँ खेचेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे क्रिवेचर और जब क्रिवेचर बनेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे ओपन ठीक है जी फिर से सुनो ये एक गार्ड सेल और ये दूसरी गार्ड सेल इन गार्ड सेल के जो इनर वॉल है थिन या थिक और आउटर वॉल क्या है थिन जब बच्चों धीरे धीरे एंडोस्मोसिस होगा तो क्या जनरेट होगा ट्रगर प्रेशर जब ट्रगर प्रेशर जनरेट होगा तो गार्ड सेल की आउटर वॉल है आउटर वॉल के ऊपर ट्रगर प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि आउटर वॉल क्या है थिन है अगर थिन है तो फिर ये जो आउटर वॉल है आउटर वॉल क्या बच्चों बाहर की तरफ प्रेस होगी जब बाहर की तरफ जाएगी तो आउटर और इनर वॉल है ये दोनों के दोनों क्या सेलोजिक से है जब आउटर वॉल बाहर की तरफ जाएगी तो इनर वॉल को भी बाहर की तरफ खींचेगी तो क्या ये दोनों जो आप लोगों को गार्ड सेल नजर आ रही इनकी दोनों की वॉल है वो जब बचे बाहर की तरफ जाएगी तो क्या क्रिवेचर जनरेट होगा और क्या बन गया है स्टोमेटा स्टोमेटा क्या ओपन हो गया है क्या आप लोगों को स्टोमेटल एपरेचर नजर आ रहा है अब जब स्टोमेटा को क्लोज करना है तो क्या करेंगे जो सोल्यूट हमने एड किया था अब सोल्यूट को क्या करेंगे हटाएंगे अगर सोल्यूट को हटाएंगे तो कंसेंट्रेशन क्या बनने लगेगी सोल्यूट की कम तो अब वाटर जाएगा बाहर अगर बाहर जाएगा तो क्या exosmosis होगा अगर होगा तो टकर प्रेशर क्या होने लगेगा कम अगर कम होने लगेगा तो सोलॉजिक माइक्रोफाइब्रिले वो लूज होने लगेंगे और अगर लूज होने लगेंगे तो कार्ड सेल की जो इनर वॉल है वो इनर वॉल पहले वाली कंडीशन में वापिस आएगी तो सेल क्या हो जाएगी फ्लेसिड और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे क्लोज जिनको नहीं समझ में आया एक बार और समझो मैंने बोला यहाँ पे ये गार्ड सेल पूरी ये गार्ड सेल है गार्ड सेल है उस गार्ड सेल में ये जो है यहां पर, ये जो वॉल वॉल है है पर कैसी बच्चे थिक और उधर वाली वॉल है वो कैसी है थिन मैंने आप में से फाइव स्टूडेंट बराबर एनर्जी वाले फाइव स्टूडेंट लिए और उनको बोला इस वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करो फाइव को बोला उस वॉल पे प्रेशर जनरेट करो थिन वाली पे ज्यादा जनरेट कर पाएंगे या थिक वाली पे थिन वाली पे ठीक है दोनों वॉल को बच्चों रस्सी से अटैच कर रखा है दोनों वॉल को किससे अटैच कर रहा है रस्सी से जब वो प्रेशर उधर ज्यादा लगाएंगे तो क्या ये वॉल रस्सी से उधर खींची जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे क्रिवेचर सेम टू सेम ऐसे ही है जो यहाँ पे फाइव स्टूडेंट लग रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं टर्गर प्रेशर और क्या लगा रहे हैं टर्गर प्रेशर तो आउटर वॉल के ऊपर टर्गर प्रेशर ज्यादा लगता है क्यों क्यों क्योंकि वो कैसी होती है थिन होती है

पोटेशियम प्रोटोन एक्सचेंज थ्योरी फोटो खींचने की जरूरत हो खींचो जल्दी नहीं जरूरत है पोटेशियम, एच प्लस एक्सचेंज थ्योरी इसको समझना है तो फिर से हमें एक क्या लेनी पड़ेगी गार्ड सेल इसकी इनर वॉल क्या रहती है बच्चे थिक तो ये बना दिए थिक और आउटर वॉल कैसी रहती है थिन अब जब तक सभी का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए बच्चों ये गार्ड सेल है इन गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट है तो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट उस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में रहेगा किस फॉर्म में या तो बच्चे ग्लूकोज या फिर सुक्रोज या फिर स्टार्च अब इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके आगे कन्वर्ट किया जाता है बच्चे फोस्पोइनोल पायरवेट में और फोस्पोइनोल पायरवेट के अंदर कार्बन कितने होते हैं थ्री यानी तो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट किया है फोस्मोइनोल पायरवेट अब फोस्पोइनोल पायरवेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ गार्ड सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है उस एंजाइम का फुल्बोक्ट आता तो पेपकेज एंजाइम एटमोस्फेयर से जो सियोटू आता है उस को फिक्स करवाता है और फोस्मोइनोल पायरवेट को बच्चे कन्वर्ट कर देता है ऑक्जिलो एसिडिक एसिड में और ऑक्जिलो एसिडिक एसिड कितने कार्बन का मोलिक्यूल है फोर का अब देखो जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो एक टेबल है वो डिस्कस की थी याद हो तो हमने बोला था क्या सी थ्री प्लांट रखते हैं तो आपने बोला था नो सर रखते हैं देखो प्लांट बोला था मैंने वहां पे मैंने ये नहीं बोला था कि मीजोफिल सेल ऑफ और प्लांट क्या पेपकेज रखती है नहीं हमने ये बोला था क्या सी थ्री प्लांट पेपकेज रखते हैं C3 प्लांट के अंदर जो गार्ड सेल है उन गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है पेपकेज तो क्या C3 प्लांट पेपकेज रखते हैं अरे बोलो मैंने बोला था टाइम आने पे बताया जाएगा बता दिया गया हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन दिए जाते हैं बच्चे एन ए से हाइड्रोजन लिए जाते और जब एनए से हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्जिलो एसिडिक एसिड का होगा रिडक्शन और जब रिडक्शन होगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है मेलिक एसिड में

यहां पर ये प्रोटीन है ये प्रोटीन बच्चे के प्लस आयन का करवाती है इनफ्लक्स यानी के प्लस आयन का तो क्या होगा इनफ्लक्स और एस प्लस आयन का क्या होगा बच्चे फ्लक्स यानी बाहर जा रहे हैं एस प्लस आयन कहा जा रहे हैं बाहर के प्लस आयन कहां रहे अंदर बताओ एक ही प्रोटीन से टू मोलिक्यूल्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे क्या हो रहा है हो रहा है एंटीपोड वेरी गुड क्या हो रहा है, हो रहा है? तो ये ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं और स्टोमेटा ओपनिंग के टाइम और K की मूवमेंट होती है तो वो कैसी होती है एंटीपोर्ट सिमपोर्ट या फिर यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट अब बच्चों जो के प्लस आइन आए ये प्लस आइन मेलेट के साथ में बाइंड होते हैं किसके साथ में बाइंड होते हैं मेलेट और जब के प्लस आइन मेलेट के साथ में बाइंड होंगे तो अगला कंपाउंड बनेगा पोटेशियम मेलेट अरे क्या बनेगा पोटेशियम मेलेट लेकिन बच्चों क्या कोई जरूरी थोड़ी है जितने मेलेट आएंगे उतने ही के प्लस आएंगे नहीं के प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो सकती है ज्यादा अगर के प्लस आयन की सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज ज्यादा होने लग गया है अगर पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर ज्यादा होने लगा है तो क्या कैटायनिक एनायनिक बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा है तो सेल और सेल का भी मेंटेन रखना जरूरी है अगर जरूरी है तो फिर बच्चे एक्टिवेट और जब क्लोराइड पंप को एक्टिवेट किया जाता है तो बच्चे क्लोराइड आइन एन क्लोराइड आइन का क्या होता है इनफ्लक्स और जब क्लोराइड आइन इनफ्लक्स होंगे तो ये क्लोराइड आइन क्या करेंगे जो मेलेट से ज्यादा के प्लस आयन आए किससे ज्यादा मेलेट से ज्यादा जो के प्लस आयन आए

तो क्या होगा एंडो ओसमोसिस या जब एंडो ओसमोसिस होगा तो क्या धीरे धीरे वाटर अंदर आने लगेगा और जब वाटर अंदर आएगा तो वाटर अंदर आके क्या एक प्रेशर एग्जर्ट करता है कहां से कहां करता है इन साइड टू आउटसाइड या आउट साइड टू इन साइड इन साइड टू आउटसाइड उस प्रेशर को क्या टर्गर प्रेशर बोलते हैं तो क्या टर्गर प्रेशर और टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने लगा है और जब ट्रगर प्रेशर इंक्रीज होगा गार्ड सेल का तो बताइए क्या गार्ड सेल हो गार्ड सेल क्या ट्रजिड होने लगेगी और जब बच्चों गार्ड सेल ट्रजिड होने लगेगी तो क्या आउटर वॉल है उस आउटर वॉल इनर वॉल को क्या बाहर की तरफ खेचेगी और जब आउटर वॉल इनर वॉल को बाहर की तरफ खींचेगी तो क्या यहां इनर वॉल के अंदर की तरफ यहाँ पे क्या क्रिवेचर बनेगा और जब क्रिवेचर बनेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे ओपन ये लीजिए स्टोमेटा क्या हो गए हैं ओपन और बच्चों वाटर क्या इूबरेट होने लगा है देखो जरा क्या आसपास में वाटर के पार्टिकल्स घूम रहे <laughs> चलो ये तो हमने स्टोमेटा की ओपनिंग समझा है तो बताइए स्टोमेटा ओपनिंग होगी उस टाइम एंडो होगा या एक्सो ऑनलाइन वाले अरे समझ में आया नहीं है, ऑनलाइन वाले समझ में तो आ रहा है ना तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे तो बहुत रिप्लाई करते हो जब पूछा जाए तब बोलते नहीं हो गलत बात है ना रिप्लाई करना चाहिए जब पूछा जाए तभी स्टोमेटा ओपनिंग टाइम में एंडोस्मोसिस या एक्सोसो पक्का ना देख के नहीं बोलेगा कोई भी इधर मेरी तरफ देख के बोलेगा उधर नहीं देख के बोलेगा स्टोमेटा ओपनिंग टाइम में टर्गर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज पक्का स्टोमेटा ओपनिंग टाइम में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज पक्का स्टोमेटा ओपनिंग टाइम में एस प्लस आइन का इनफ्लक्स या इस इनफ्लेक्स इलोराइड एंड क्लोराइड आइनस का क्या इंपोर्टेंस रहता है क्या केटाइनिक एनाइनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा ठीक है जी अब आगे बात करते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग के बारे में स्टोमेटा क्लोजिंग कब होती है? बच्चों स्टोमेटा को क्लोज करवाने के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है और उस हार्मोन को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन बताया था पहले भी आपको और उस इस स्ट्रेस हार्मोन को प्यार से बोला जाता है ए बी ए और इसकी फुल फॉर्म क्या है एसिटिक एसिड बच्चों उसके बारे में बात करते हैं मैंने बोला टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो बच्चे वाटर लॉस ज्यादा होगा अगर वाटर लॉस प्लांट बॉडी से ज्यादा होगा तो प्लांट बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा क्या डेवलप होने, होने लगेगा और ज्यादा होगा तो फिर धीरे धीरे बच्चे जो क्लोरोफिल है उन क्लोरोफिल के साथ में उन कैरोटिनोइड्स का होने लगेगा ऑक्सीडेशन जब कैरोटिनोइ्स का ऑक्सीडेशन होने लगेगा तो कैरोटिनोइड ऑक्सीडाइज होने पे कन्वर्ट हो जाते हैं एफसीसी

अब जब रिवर्स करेगा तो क्या करेगा पोटेशियम करेगा तो क्या अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा? अलग होते ही, का होगा इन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब बच्चों एस प्लस आइन का इनफ्लक्स e होगा तो एस प्लस आइन मेलेट के साथ में बाइंड होंगे तो क्या मेलिक एसिड बन जाएगा मेलिक एसिड से वापस क्या बनाएंगे ऑक्जिलो एसिडिक एसिड क्या ऐसे करेंगे तो सेल और सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा अगर सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा तो फिर क्या बच्चे एक्जो ऑसमोसिस होने लगेगा अगर एक्जो ऑसमोसिस होने लगेगा तो सेल का क्या ट्रगर प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा और अगर ट्रगर प्रेशर कम होने लगा है तो क्या ये सेलोलॉजिक माइक्रोफाइब्रिल क्या लूज होने लगे अगर लूज होने लगे हैं तो वॉल वॉल क्या इनर वॉल अपनी क्या बच्चे सेब के अंदर जाने लगी है तो सेल क्या हो जाएगी फ्लेसिड और फ्लेसिड होते ही स्टोमेटा क्या हो जाएंगे क्लोज ठीक है जी अब मुझे बताओ जब स्टोमेटा स्टोमेटा क्लोज कर रहे हैं तो एक्सोस्मोसिस हो रहा है एंडोस्मोसिस क्या हो रहा है एक्सोस्मोसिस जब स्टोमेटा क्लोजिंग होती है तो ट्रगर प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज डिक्रीज ठीक है और जब स्टोमेटा स्टोमेटा क्लोजिंग होती है तो सेल टजिड बनती है या फ्लेसिड कैसी फ्लैसिड जब स्टोमेटा क्लोजिंग होती है तो के प्लस आइन का इनफ्लक्स होता है या ई फ्लक्स क्या होगा ई फ्लक्स एस प्लस आइन का क्या होगा इनफ्लक्स। ठीक है जी क्लियर ये क्या थी स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग इसके अलावा स्टोमेटा और कब क्लोज हो सकते अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को बना दे हाई क्या बना दे हाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी प्लांट बॉडी के अंदर तब भी बच्चों प्लांट बॉडी के अंदर क्या डेवलप होने लगेगा स्ट्रेस और स्ट्रेस डेवलप होते ही क्या बनेगा एफसीसी एसिड और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे क्लोज तो एक फेमस क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर कई बार पूछा गया है कि स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है क्या देना आंसर एफसीसी एसिड आप लोगों को एक और बता रहा हूं स्टोमेटा ओपनिंग के लिए भी एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन का नाम है साइटोकाइनिन तो स्टोमेटा ओपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन और क्लोजिंग के लिए कौन सा है एसिड ठीक है है जी आगे अगला पॉइंट आता फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ को क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं क्या ट्रांसपीरेशन को फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं ऑनलाइन वाले भी तैयार है जब स्टोमेटा ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है क्या दोनों के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है यस और नो ऑनलाइन वाले तो आंसर दे रहे हैं यस ऑफलाइन वाले भी यस अरे देखो खोलो आंखें क्या एटीपी उस एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे नहीं कर रहे चलिए आगे बात करते हैं और अगले क्या आता है फैक्टर फैक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन हटा दू फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बात करेंगे बच्चे एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होंगे प्लांट फैक्टर होंगे या एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे हेलो कौन से होंगे एनवायरमेंटल फैक्टर तो एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं जो ट्रांसमिशन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट फैक्टर एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ये कैसे अफेक्ट करती है इधर ध्यान दो सारे एटमोस्फियर में क्या ह्यूमिडिटी भी होती है कई लोग बोलते हैं आज तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है बोलते नहीं बोलते है. उनको कैसे पता चलता है? है क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो जो एटमोस्फियर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है मॉइस्चर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे क्या प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी क्या बच्चों ह्यूमिडिटी एटमोस्फियर के अंदर रहती है ऑलवेज ऑलवेज तो नहीं होती कई ऐसे एरिया होते एरिया टू एरिया वेरी करेंगे कई ऐसे एरिया होते हैं जिनके अंदर ह्यूमिडिटी चाहे आप कभी चले जाओ वहां पे बनी रहती है लेकिन कई एरिया ऐसे होते हैं जिनमें चेंज होती रहती है जैसे कोटा की बात करते हैं कोटा के अंदर बच्चों रेनी सीजन के अंदर ह्यूमिडिटी बनती है बहुत अच्छी लेकिन जैसे ही समर आता है यहाँ पे आग के गोले बरसने लगते हैं और जब बाहर निकलते हैं सुबह नौ बजे तो ऐसे लगता है जैसे जलती हुई आग के वे चल रहे गर्मियों के अंदर इतनी बुरी हालत होती है कहने का मतलब जब बच्चे गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो बताओ उस टाइम क्या एटमोसफियर के अंदर ह्यूमिडिटी है उस टाइम बिल्कुल भी एटमोस के अंदर एकदम ड्राई पार्टिकल्स नहीं है और जब ह्यूमिडिटी होगी तो क्या क्लियर है और जब भी ट्रांसपियन होता है तो कैसे होता है क्या वाटर की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपको बता रखा है ट्रांसपिएस होगा किसी सिंपल डिफ्यूजन से सिंपल डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस बताया था, 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 था। और सिंपल डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस में बोला था कि ट्रांसफिजन करवाने में क्या करता है, है। और जब बच्चों सिंपल डिफ्यूजन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कैसे क्या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर एटमोस्फेयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स नहीं है वाटर पार्टिकल्स नहीं है तो प्लांट बॉडी से क्या इजिली वाटर पार्टिकल्स एटमोस्फेयर में जाएंगे तो हम बोलेंगे अगर एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी अगर कम है तो बच्चों ट्रांसफिजेशन रेट क्या रहेगी हाई और अगर एटमोस्फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसप्रेशन रेट क्या रहेगी लो तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रांसप्रेशन रेट है वो एटमोस्फिर ह्यूमिडिटी के इनवर्सली होती अरे बोलो अब बच्चों एक पॉइंट और आपके सामने रख रहा हूं देखे आप आंसर देते हो या नहीं देते हो मैम मैंने बोला वेरी हाई ह्यूमिडिटी है क्या है वेरी हाई ह्यूमिडिटी और वेरी हाई ह्यूमिडिटी के ऊपर प्लांट प्लांट का स्टोमेटा कंप्लीटली ओपन है प्लांट का स्टोमेटा क्या है कंप्लीटली ओपन बताइए ट्रांसपीरेशन रेट वेरी हाई या फिर वेरी लो या फिर जीरो सोचो देखिए थोड़ा सा थ्री ऑप्शन आपके पास में ऑनलाइन वाले भी दे दो यहां से ऑनलाइन वाले वेरी लो या फिर जीरो जीरो मैंने बोला है ट्रांसपीरेशन ह्यूमिडिटी क्या है वेरी हाई अगर वेरी हाई है तो प्लांट बॉडी से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है एटमोसफियर में अगर प्लांट बॉडी से ज्यादा एटमोस्फियर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या प्लांट बॉडी से क्या बाहर आ पाएंगे नहीं क्यों नहीं आ पाएंगे क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है ट्रांसफिलेशन तो बच्चों ट्रांसफिलेशन रेट क्या जीरो रहेगी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वेरी हाई ह्यूमिडिटी है तो वेरी हाई ह्यूमिडिटी के ऊपर कंप्लीट स्टोमेटा ओपन होने के बाद में कैसी रहेगी वेरी हाई कौन सा रहेगा मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर ह्यूमिडिटी अरे कौन सा रहेगा ह्यूमिडिटी अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे टेम्परेचर क्या आता है टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ट्रांसपिजेशन रेट भी क्या होती है इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसप्रेशन रेट क्या होगी बच्चे इंक्रीज लेकिन अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसपिजेशन बच्चों स्टॉप हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वहां पर वाटर लॉस प्लांट बॉडी से ज्यादा हो जाएगा अगर वाटर लॉस प्लांट बॉडी से ज्यादा हो जाएगा तो फिर स्ट्रेसिंग हार्मोन डेवलप हो जाएगा और स्ट्रेसिंग हार्मोन डेवलप होने पे बच्चे स्टोमेटा हो जाएंगे क्लोज और अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसफन हो जाएगा बंद अरे ठीक है लेकिन हम अगर नॉर्मली बात करें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसफिएशन रेट भी क्या होती है इंक्रीज तो हम बोलेंगे ट्रांसफिएशन रेट क्या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती और बोलो अगला पॉइंट आगे बात करें तो अगला आता है बच्चे विंड वेलोसिटी क्या आता है कुछ नहीं सुनो ये बच्चों आपके सामने एक प्लांट है ये प्लांट क्या कर रहा है ट्रांसपियन कर रहा है अगर ट्रांसपियसन कर रहा है तो क्या वाटर पार्टिकल्स को इपरेट कर रहा है मैं बोल रहा हूं अभी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है अभी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही अगर बच्चों एयर है उस एयर की अगर हम देखेंगे स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं है अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा इस प्लांट के आसपास में वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आसपास में रहेंगे या यहाँ से रिमूव होते जाएंगे आसपास में अगर बच्चों प्लांट और तो प्लांट के आसपास में वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स प्लांट बॉडी से इुपरेट हो रहे हैं वो कम होंगे या ज्यादा होंगे काम अब बच्चों आप हवा चला दो जब भी हवा चलेगी जब भी हवा चलेगी तो हवा चलेगी तो जो जितने भी प्लांट प्लांट के आसपास में वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको एयर क्या कर देगी रिमूव अगर रिमूव करेगी तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस जनरेट होगा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस जनरेट होगा तो तुरंत बच्चों वाटर इेट होके कहा आएगा बाहर तो जैसे जैसे हम विंड की वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं ट्रांसमेशन रेट भी क्या होती है इंक्रीज लेकिन बच्चों वेरी हाई विंड वेलोसिटी के ऊपर ट्रांसपेशन रेट क्या हो जाती है जीरो यानी रुक जाता है वेरी हाई विंड वेलोसिटी के अंदर क्या होगा वाटर लॉस प्लांट बॉडी से ज्यादा होने लगेगा तो फिर से क्या डेवलप होगा स्ट्रेसिंग हार्मोन और स्टोमेटा को क्या कर देगा क्लोज तो क्या हम बोल सकते हैं विंड वेलोसिटी भी ट्रांसपिजन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी अरे बोलो अगला पॉइंट अगला आता है बच्चे लाइट क्या आता है लाइट आप तो मुझे बताओ कौन सी कलर की लाइट के अंदर ट्रांसपेरेशन रेट हाई होगी ब्लू में और ब्लू के बाद में, में होगी रेड में क्यों आपका एक ही आंसर रहेगा कि सर ब्लू के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है हाई और उसके बाद में किस में होती है रेड में इसलिए नहीं ऐसा नहीं होता है मुझे पता था यही दो के आंसर ऐसा नहीं होता है क्या होता है ब्लू कलर की लाइट के अंदर पेपकेज एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है यानी ब्लू कलर की लाइट के अंदर पेपकेज एंजाइम सबसे ज्यादा क्या रहेगा एक्टिवेट अगर एक्टिवेट पेपकेज एंजाइम ब्लू कलर की लाइट में ज्यादा होगा तो स्टोमेटा ओपनिंग कौन सी कलर की लाइट में ज्यादा होंगे ब्लू में और उसके बाद में बच्चों पेपकेज एंजाइम जिस कलर की लाइट में एक्टिवेट होता है वो कौन सी है रेड तो रेड और ब्लू कलर ब्लू और रेड कलर की लाइट के अंदर पेपकेज एंजाइम और पेपकेज एंजाइम बच्चे मोर एक्टिवेट होता है अगर मोर एक्टिवेट होगा तो स्टोमेटा क्या होगा ओपन तो ओपनिंग होगी वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर रहेगी ब्लू रेड यानी जो आपने एब्जॉर्न स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसी एब्जोर्न स्पेक्ट्रम के ऊपर बच्चे स्टोमेटा ओपनिंग रहेगी ज्यादा आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे वो आता है प्रेशर क्या आता है बच्चे एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फिर प्रेशर के बारे में बात करते हैं अगर बच्चों एटमोसफियर में प्रेशर ज्यादा है तो बताओ ट्रांसपीरेशन रेट हाई या लो लो और अगर एटमोसफियर के अंदर प्रेशर कम है तो ट्रांसपीरेशन रेट क्या रहेगी हाई यानी ट्रांसपीरेशन रेट एटमोसफियर प्रेशर के क्या इनवर्सली रहेगी अरे कई को समझ में नहीं आ रहा है ना ये पॉइंट सही सही बताना नहीं आया ना हेलो हाँ आ रही है इधर से आवाज सर मैं बोल रहा हूँ एटमोस्फियरिक प्रेशर क्या है ज्यादा अगर ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या इजीली इवरेट हो पाएंगे नहीं तो ट्रांसपीरेशन रेट क्या रहेगी लो अगर एटमोसफियर प्रेशर कम है तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली इेट हो पाएंगे अगर हो पाएंगे तो मैं बोलूंगा ट्रांसफरेशन रेट क्या रहेगी हाई अब बताओ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका सही आंसर देने की कोशिश करना मैंने बच्चों एक प्लांट उस प्लांट को कलेक्ट किया है ग्राउंड एरिया से कहा से ग्राउंड एरिया से ग्राउंड एरिया से एक प्लांट को कलेक्ट किया है और उस प्लांट को कलेक्ट करके हिल स्टेशन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है कहां पे हिल स्टेशन पे बताइए उस प्लांट के अंदर ट्रांसफरेशन रेट इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी ऑनलाइन वाले भी बताएंगे डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी देखो तो ऑप्शन दो ही है या तो डिक्रीज या फिर इनक्रीज तो आधे तो लोग इंक्रीज बोलेंगे आधे क्या बोलेंगे डिक्रीज डिक्रीज़ होगी इनक्रीज होगी और क्या कुछ हो जाएगी हाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता है कम ज्यादा नहीं होता है क्या होता है कम होता है फेंक रहे ऐसे ज्यादा होता है ज्यादा नहीं होता है, क्या होता है कम होता है अगर एटमोसफियर प्रेशर ऊपर जाने पर कम होता है तो हम ग्राउंड से प्लांट को ले रहे हैं और कहा ले जा रहे हैं हिल स्टेशन पे अगर हिल स्टेशन पे ले जा रहे हैं तो वहां पे बच्चे एटमोसफियर प्रेशर क्या होगा कम तो ट्रांसमेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज होगी इंक्रीज ठीक है जी आगे इंटरनल फैक्टर अगले कौन से फैक्टर हैं इंटरनल इंटरनल फैक्टर हैं तो इंटरनल फैक्टर क्या प्लांट के खुद के फैक्टर होंगे अरे बोलो तो बच्चों प्लांट फैक्टर होंगे उन प्लांट फैक्टर को क्या बोला जाएगा इंटरनल फैक्टर प्लांट फैक्टर है तो अब स्टोमेटा के अंदर भी फर्स्ट रहेगा नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या है बच्चे नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने ज्यादा नंबर रहेंगे स्टोमेटा के प्लांट में क्या बच्चों ट्रांसमिजेशन रेट उतनी हाई होगी अरे बोलो अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लांट में आई है तो ट्रांसपिजेशन रेट भी क्या रहेगी हाई और अगर नंबर ऑफ स्टोमेटा लेस है तो ट्रांसपिजेशन रेट भी क्या रहेगी लो हेलो, अगला सेकंड आता है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा सेकंड कौन सा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट होता है अगर हम डाइकोट और मोनोकोट की बात करें

तो मतलब मोनोकोटस मोनोकोट की लीफ में क्या दोनों साइड स्टोमेटा मिलेंगे लेकिन डाइकोटस डाइकोट की लीफ में क्या एक ही साइड स्टोमेटा मिलेंगे अब बताओ कौन से प्लांट के अंदर ट्रांसमिशन रेट हाई रहेगी मोनोकोट या डाइकोट मोनोकोट ठीक है जी आगे और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर वो आता है ओपन स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा के परसेंटेज बताने परसेंटेज ऑफ ओपन जितने ज्यादा ओपन रहेंगे परसेंटेज में रेट उतनी क्या होगी हाई और अगर कम रहेंगे परसेंटेज में ओपन तो ट्रांसफर रेट क्या होगी लो अगला जो इंटरनल फैक्टर आता है वो आता है प्लांट की एना टॉमी क्या है प्लांट की एनाटोमी 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 के बाद हम बात करें तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे मीजोफिल सेल के बारे में

हम स्पॉन्जी की बात करें तो स्पॉन्जी टिश्यू जब डेवलप होता है तो वो सेल्स लूजली अरेंज रहती है तो उनके बिटवीन इंट्रोसेर स्पेस क्या रहता है ज्यादा अगर इंट्रोसेल स्पेस ज्यादा रहता है तो बच्चों वाटर लॉस क्या होगा ज्यादा तो याद रखना है अगर लीफ के अंदर पहली सेड टिश्यू है तो ट्रांसपिजन रेट क्या रहेगी लो और अगर स्पॉन्जी टिश्यू है तो ट्रांसपिनेशन रेट क्या रहेगी हाई अगला पॉइंट आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे क्यूटिकल क्या आता है क्यूटिकल क्यूटिकल अगर बच्चों लीफ और स्लीव की सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की थिन लेयर है तो ट्रांसपीरेशन रेट क्या रहेगी हाई और अगर थिक लेयर है तो ट्रांसपीरेशन रेट क्या रहेगी लो नेक्स्ट बच्चों फैक्टर आता है और जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है कैनोपी स्ट्रक्चर क्या आता है बच्चे कैनोपी स्ट्रक्चर कैनोपी स्ट्रक्चर क्या रहेगा बच्चों प्लांट प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी है प्लांट डेंस है या फिर डेंस नहीं है आप लोग देखते हो कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है बहुत ज्यादा डेंस यानी अगर इस प्लांट के इस साइड में खड़े हो जाए तो उधर नजर नहीं आएंगे तो प्लांट क्या बहुत ज्यादा डेंस है कई प्लांट ऐसे होते हैं कहीं पे भी खड़े हो जाओ आर पार नजर आएंगे मतलब उसकी केनोपी स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट टू प्लांट क्या करती है वेरी केनोपी स्ट्रक्चर भी प्लांट टू प्लांट क्या करेगी वेरी अब केनोपी स्ट्रक्चर से ट्रांसफन का क्या लेना देना अगर बच्चों प्लांट की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेंस है प्लांट की स्ट्रक्चर अगर बहुत ज्यादा डेंस है तो जो एयर है वो एयर इजीली पास नहीं हो पाएगी अगर प्लांट से एयर इजीली पास नहीं हो पाएगी तो आसपास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन वाटर मॉलिक्यूल्स को भी वहां से रिमूव नहीं कर पाएंगे अगर नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसप्रेशन रेट क्या रहेगी उसकी लो अगर बच्चों ब्रांचेज और ब्रांचेज के बिटवीन गेप बना हुआ है प्लांट और प्लांट की ब्रांचेज के बिटवीन क्या है गेप अगर गेप है तो क्या इजीली बच्चे एयर क्रॉस करेगी और अगर इजीली एयर क्रॉस करेगी तो आसपास में जितने भी वाटर पार्टिकल्स वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैं को एयर क्या कर देगी रिमूव और जब रिमूव करेगी तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स के पर गेप, गेप बनेगा तो इजीली बच्चों ट्रांसपुरेशन चलेगा तो अगर केनोपी स्ट्रक्चर देखेंगे तो डेंस केनोपी स्ट्रक्चर रहेगी तो बच्चों ट्रांसमेशन रेट क्या रहेगी लो ठीक है जी अगला पॉइंट नेक्स्ट आता है बच्चे वाटर स्टेटस आता है वाटर स्टेटस ये वाटर स्टेटस क्या है ये प्लांट बॉडी की बात करें अगर प्लांट बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा अवेलेबल रहेगा तो ट्रांसपेशन की रेट क्या अच्छी रहेगी और अगर प्लांट बॉडी के अंदर वाटर स्ट्रेस डेवलप हो गया है तो बताओ ट्रांसपिजेशन रेट है वो क्या बच्चे लो रहेगी या फिर बोलो को ट्रांसपिजेशन क्या स्टॉप हो जाएगा अरे बोलो लास्ट एंड फाइनल आता है वो आता है बच्चे रूट शूट रेशियो रूट सूट रेशियो अगर बच्चों रूट एंड सूट रेशियो ज्यादा है तो रेट भी क्या होगी ज्यादा और अगर रूट सूट रेशियो कम है तो रेट भी क्या रहेगी कम सर ये क्या मजाक है मैंने बोला कि रूट है वो रूट और सूट दोनों में कंपेरिजन करें रूट क्या प्लांट का क्या अंडरग्राउंड पार्ट है और रूट का फंक्शन क्या होता है क्या वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करना अरे बोलो और सूट सूट प्लांट का क्या है एरियल पार्ट बच्चों में वो क्या है ज्यादा अगर ज्यादा है तो रूट क्या वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी सूट कम है तो ट्रांसपेशन बच्चों कम कर पाएगा अरे बोलो सूट रूट के कंपेरिजन में कम है तो जितना वाटर आ रहा है क्या सारे वाटर को ट e कर पाएगा नहीं तो उसके अंदर ट्रांसपेशन रेट हाई रहेगी या लो रहेगी हाई या फिर इसको इसके, इस तरीके से समझे जब बच्चे रूट ज्यादा है से रूट ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्ब क्या किया जाएगा ज्यादा और अगर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा तो अवेलेबल अगर वाटर ज्यादा रहेगा तो ट्रांसपेशन की रेट हाई रहेगी या लो रहेगी हाई अरे क्या रहेगी हाई अगर सूट को हम ज्यादा कर दे रूट को कम कर दे तो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी कम तो ट्रांसप्रेशन की रेट क्या रह जाएगी लो अरे ठीक है आगे अगला पॉइंट आप लोगों को लिखा मिलेगा आपके मॉड्यूल के अंदर एंटी ट्रांसपेरेंट क्या लिखा मिलेगा एंटी ट्रांसपेरेंट ये एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बच्चों ट्रांसपेरेशन को क्या कर देते हैं इनिबिट यानी स्टोमेटा को क्या करवा देते हैं क्लोज और क्लोज करवा के बच्चे ट्रांसपुरेशन को रोक देते है. अब आप बोलोगे सर एंटी ट्रांसपेरेंट है उनका यूज क्या होगा एंटी ट्रांसपेरेंट को बच्चे ड्राई फार्मिंग के अंदर यूज में लिया जाता है जो फार्मर्स बच्चों खेती करते हैं और उनके पास में अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो फिर वो किसका यूज कर सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट का अगर एंटी ट्रांसपेरेंट का स्प्रे कर देंगे तो बच्चे ट्रांसपेरेशन रेट क्या हो जाएगी कम तो प्लांट ऑन प्लांट को वाटर की डिमांड क्या रहेगी कम अगर वाटर की डिमांड कम रहेगी तो इजीली जो बच्चों वो फार्मिंग कर रहे हैं क्या उसको इजीली कंप्लीट कर पाएंगे तो ड्राई फार्मिंग के लिए किसका यूज किया जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट और एंटी ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल्स के अंदर आपको एक मिलेगा फिनाइल मार्किरिक एसिडेड जब बच्चे हम देखेंगे और तो एक मिलेगा एस्प्रीन एस्प्रीन अच्छे से याद रखना पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज ए एंटी ट्रांसपेरेंट एस्प्रीन उसको क्या बोला जाता है सेलिसिक एसिड

तो क्या करेंगे लीफ और लीफ से ट्रांसेशन नहीं होने देंगे अगर नहीं होने देंगे तो ट्रांसेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी अरे इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी डिक्रीज कल संडे को आपकी पसंद गौतम सर की एक्स्ट्रा मेन क्लास रहेगी टाइमिंग एट कल है संडे आज नहीं है कल की है आज भी है क्या सॉरी मैं अपने वर्ड वापिस लेता हूं आज भी है कल भी है आज भी है और कल भी है और कल की टाइमिंग मॉर्निंग में है ना ये एट ए एम टू टेन एम फोर्थ फ्लोर रूम नंबर फोर फोर्थ फ्लोर रूम नंबर फोर संज्ञानी अरे इससे नीचे वाला और रूम नंबर कौन सा फोर ठीक है ना अब इस पे आ जाओ वापिस इधर आओ नहीं तो इधर भी बुलानी पड़ेगी तो याद रखना है जो एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट है उनको कहां पे यूज में लिया जाता है ड्राई फार्मिंग है। कहां पे ड्राई फार्मिंग अगला अगला पॉइंट आता है बच्चे ट्रांसपीरेशन रेशियो क्या आता है ट्रांसपीरेशन रेशियो ट्रांसपीरेशन रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या रेशियो निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला और फॉर्मूला क्या है मॉल्स ऑफ वाटर ट्रांसफेराइट अपॉन मॉल्स ऑफ कार्बन एसिमिलेटेड एसिमिलेटेड का मतलब क्या है फिक्स जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स फिक्स किए और वाटर मॉलिक्यूल्स से उनको ट्रांसफायर यानी ट्रांसफरेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स हमने इेट कर दिए तो जो इेट किए गए वाटर मॉलिक्यूल्स अपॉन बच्चों सीओ टू के जो मॉल्स है जो हमने फिक्स किया इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा अपने सामने ट्रांसफिशन रेशियो बच्चे जिसके अंदर ट्रांसफिशन रेट हाई होगी उसके अंदर ट्रांसफिशन रेशियो भी क्या रहेगा हाई और जिसके अंदर ट्रांसफिशन रेट लो होगी उसके अंदर ट्रांसफिशन रेशियो भी क्या रहेगा लो आप तो मुझे बताओ सी थ्री और केम प्लांट इन तीनों प्लांट में सबसे कम ट्रांसफिशन रेशियो किसका होगा कैम प्लांट का वेरी गुड क्यों होगा क्योंकि उनके अंदर कौन से स्टोमेटा संकर और संकन स्टोमेटा है तो नाइट टाइम में ओपन डे टाइम में क्लोज और बच्चों उनके अंदर अगर ट्रांसमिशन रेशियो देखा जाए तो होता है फिफ्टी टू हंड्रेड कितना होता है फिफ्टी टू हंड्रेड अगर हम बच्चों बात करें सी प्लांट की तो सी प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन रेशियो रहेगा क्यों रहेगा उसका रीजन बताओ C4 से भी C3 प्लांट के अंदर ट्रांसपुरेशन रेशियो हाई रहेगा बोलो तो है? Anatomy, कौन सी एनाटोमी क्रांज एनाटोमी वेरी गुड और बोलो फोटो रेस्पिरेशन उससे क्या लेना देना है फोटो रेस्पिरेशन से क्या लेना देना ट्रांसपिरेशन का ऑनलाइन वाले बोलो देखें देखें ऑनलाइन और आप भी सोचो जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले अरे, बोलो 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 नहीं ठीक है आप तो मुझे बताओ सी थ्री प्लांटोन सी थ्री प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की लेस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है मोर मोर पक्का ना अगर मोर रिक्वायरमेंट होती है तो क्या स्टोमेटा को कंप्लीटली ओपन रखते हैं क्यों रखते हैं completely? क्योंकि उनके अंदर primary CO2 fixation करने वाला कौन है 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 और का, का केम क्या होता है? High. अगर केम high होता अगर तो क्या बच्चे उ, उसका जो का मोर रिक्वायर्ड होगा अगर मोर रिक्वायर्ड होगा तो स्टोमेटा को कंप्लीटली रखेगा ओपन तभी क्या सीओ टू को ज्यादा अंदर ले पाएगा

और C3 के अंदर जो ट्रांसपीएसन रेशियो आता है वो आता है 500 टू 1000 क्या होता है 500 टू 1000 और अगर C4 के अंदर ट्रांसपीएसन रेशियो देखेंगे तो 200 टू 350 क्या होता है बच्चे 200 टू 350 अब देखो ये जो डेटा है वो तो याद करने की जरूरत नहीं है बस आप लोग ये याद रखें कि ट्रांसपियशन और ट्रांश्विशन सबसे ज्यादा किस में होता है उससे कम किस में होता है और सबसे कम किस में होता है सबसे ज्यादा किस्में सी थ्री C3 से कम किस में C4 और C4 से भी कम किस में केम प्लांट ठीक है जी आगे अगला पॉइंट आप लोगों को मिलेगा आपके मॉड्यूल के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर ट्रांसमेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज ये क्या है क्या विदाउट ट्रांसमिशन फोटोसिंथेसिस रन कर सकते हो नहीं विदाउट ट्रांसमिशन फोटो हम रन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते उसके पीछे रीजन क्या फोटोसिंथेसिस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल होती है। और वाटर्स वाटर को अगर जाइलम और जाइलम से ट्रांसपोर्ट करवाना है तो बच्चे उसके लिए ट्रांसपेशन होना जरूरी है क्यों क्योंकि जब बच्चों ट्रांसपेशन होगा तो ट्रांसपेशन होने से एक पुल जनरेट होता है ये फोर्स जनरेट होता है जिस फोर्स को क्या बोला जाता है पुलिंग फोर्स क्या बोला जाता है पुलिंग फोर्स और ये पुलिंग फोर्स बच्चे ट्रांसफन की वजह से डेवलप होता है इसलिए तो रूट रूट से लीब तक वाटर को नहीं ले जा पाएंगे और अगर रूट से लीव तक वाटर को नहीं ले जा पाएंगे तो बच्चे लाइट रिएक्शन है उस लाइट रिएक्शन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं चलेगा तो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड वाटर बच्चों कौन सी प्रोसेस से प्रोवाइड करवाए जाते हैं ट्रांसपीरेशन से ठीक है अगला पॉइंट अगर आगे हम बात करें तो अगर सेल्स सेल्स उन सेल को बनाना है क्या बनाना है बच्चे ट्रजिड सेल्स को टर्जिड बनाना है तो उन ट्रजिड तो बनाने के लिए क्या चाहिए वाटर तो जितने भी प्लांट बॉडी के अंदर सेल्स सेल होती है उनको ट्रजिड बनाना है और जो लीफ और लीव की सेल को भी अगर टजिड बनाना है तो क्या चाहिए होता है वाटर और वाटर अगर रूट से लीफ तक ले जाना है तो किससे ले जाएंगे बच्चे जाइलम से और जाइलम से ले जाया जाता है तो किससे ले जाया जाता है ट्रांसफरशन पुलिंग से और ये ट्रांसफरेशन पुलिंग किससे जनरेट होती है ट्रांसफन से हेलो और जब भी ट्रांसफन होता है तो क्या बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स क्या प्लांट बॉडी के आसपास में रहते हैं अगर ट्रांसमिजेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट बॉडी के आसपास में रहेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट बॉडी के आसपास में टेम्परेचर को कर देंगे कम और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं बच्चों टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड कितना कर देते हैं टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम कर देगा ट्रांसमिजेशन तो प्लांट और प्लांट बच्चों फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर एटमोस्फियर के अंदर टेम्परेचर होगा तो भी आराम से सर्वाइव कर सकता है क्योंकि आ, उसके आसपास में तो टेम्परेचर कितना है क्या टेन टू फिफ्टीन डिग्री कम हो जाएगा तो उसके पास में तो एक्चुअल में देखा जाए तो कितना रहेगा क्या फोर्टी डिग्री रहेगा अरे बोलो अरे बोलो तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपियन का प्लांट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कौन सा है ट्रांसफन का प्लांट्स एंड प्लांट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कौन सा है कूलिंग इफेक्ट या फिर ट्रांसफन वाटर कंडक्शन कूलिंग इफेक्ट या फिर वाटर कंडक्शन वाटर कंडक्शन नहीं है कूलिंग इफेक्ट है क्यों वाटर कंडक्शन तो अपने आप हो रहा है जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफायर हो रहे हैं तो अपने आप हो रहा है लेकिन कूलिंग इफेक्ट देने के लिए ही क्या हो रहा है ट्रांसफेशन अगर बच्चों कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा तो आप जानते हो जब हम समर के टाइम में देखते हैं तो टेम्परेचर फिफ्टी होता है और फिफ्टी टेम्परेचर पे अपन तो घर में जाके ए कूलर या फैन के नीचे बैठ जाते हैं लेकिन प्लांट हाउस प्लांट को क्या ए लगाता है क्या कोई या फिर कूलर देता है क्या उसको कोई कोई नहीं देता है तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करता है ट्रांसफन इसका एक बेस्ट एग्जांपल और दे सकते हैं जब भी बच्चों गर्मियों के दिनों में अगर पैदल जा रहे हैं अपन और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो फिर हम क्या छाया देखते हैं और छाया देखते हैं तो किसकी छाया में, में खड़ा होना पसंद करते हैं प्लांट की प्लांट की छाया में खड़ा होना पसंद करते हैं किसी दीवार के पास में खड़ा होना पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे तो और ज्यादा गर्मी होती है लेकिन जब भी हम प्लांट की छाया में खड़े होते हैं क्या वहां जाते हैं क्या कूलिंग इफेक्ट मिलता है कूलिंग इफेक्ट मिलता है इस कूलिंग इफेक्ट का क्या रीजन है ट्रांसपीरेशन अरे क्या बच्चे ट्रांसपिरेशन अरे समझ में तो आ रहा है ना आपको पक्का ना चलिए आगे बात करते हैं हम और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के आ रहा है वो आ रहा है हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है बोलो ओके okay. थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है एन का और वो पॉइंट आता है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्व वाटर प्लांट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं उसके बारे में समझते हैं बच्चों सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जब हम रूट और रूट की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सीक्वेंस ध्यान में रखनी पड़ेगी सेल्स की कि आउटर मोस्ट कौन सी सेल मिलेगी उसके बाद में कौन सी मिलेगी उसके बाद में कौन सी मिलेगी ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको वो अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एक डायग्राम अपनी एनसीआर के अंदर दिया हुआ है और उसके अंदर सेल्स के नेम लिखे हुए हैं सिक्वेंस से ठीक है जी अब जब वाटर का एब्जॉर्ब करना है तो पहला पॉइंट तो यह आता है कि वाटर एब्जॉर्ब कहां से किया जाता है रूट से कहा से किया जाएगा रूट से बच्चों रूट है उस रूट में भी एक स्पेशल टाइप की लाइक स्ट्रक्चर रहती है और जो रूट पे लेकिन बच्चे करना आसान, नहीं है। आसान नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है सबसे पहले रूट, उन रूट के अंदर, को करवाया जाता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाया जाता है वो करवाया जाता है एक्टिवली यानी मिनरल्स को, करते। को आप बोलो की एक्टिवली क्यों करते मिनरल्स के कंपैरिजन में प्लांट बॉडी के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या रहती है? की रहती है प्लांट के लिए ऑलवेज यानी प्लांट और उन प्लांट को मिनरल अगर कम मिलेंगे तो बहुत सारी उस प्लांट के अंदर क्या बन जाती है डेफिशिय तो अगर मिनरल सोइल के अंदर कम है प्लांट बॉडी के अंदर ज्यादा आप बोलोगे प्लांट बॉडी में ज्यादा कहां से 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 सोइल 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 ले 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 लिए उसने अगर रखे रखे और पहले ज्यादा तो सोयल के अंदर क्या कहा जाएंगे बच्चे कम और प्लांट बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे ज्यादा अब बताओ अगर मिनरल्स का एब्जॉर्ब करेंगे तो मोस्टली कैसा होगा एक्टिवली अगर मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते जाएंगे और रूट रूट के अंदर बच्चों मिनरल्स को अगर ट्रांसफर करते जाएंगे तो क्या रूट के इनसाइड कंसंट्रेशन बच्चों डेवलप होने लगेगी इसकी मिनरल्स की अगर मिनरल्स का ग्रेडियंट डेवलप होने लगेगा तो मैं बोलूंगा वहां पे मिनरल्स की कंसेंट्रेशन हाई होने लगी अगर मिनरल्स की कंसेंट्रेशन हाई होने लगी तो मिनरल सोल्यूट है या सोल्यूंट है सोल्यूट सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बच्चों हाई होने लगी है तो रूट के अंदर कैसा कंडीशन बनने लगी हाइपरटोनिक अगर हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई है तो अब वाटर अपने आप मूव करता आएगा कहां से कहा आएगा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक यानी और, के के तो और उसके बाद में आगे जो मूवमेंट होती है वो बच्चे टू पाथवे को फॉलो करते हुए होती है यानी रूट के अंदर जब रूट हेयर्स में जब वॉटर आएगा तो वहां पे तो कैसे आया क्या डिफ्यूज होते हुए आए अरे डिफ्यूज होते हुए क्यों आए डिफ्यूज होते हुए क्योंकि हमने पहले क्या कर दी है? क्या मिनरल्स और मिनरल्स की कंसनट्रेशन रूट के इनसाइड कर दी है? हम अभी तक वाटर को कहां तक ला पाए कहां तक ला पाए रूट अब रूट अब के बाद में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है टू पाथवे को फॉलो करते एक पाथवे को तो बोला जाता है एपोप्लास्ट और दूसरी पाथवे को बोला जाता है सिम्प्लास्ट अब सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को डिटेल में समझने जा रहे हैं एक फोटो बना रहा हूं पहले ये यह यहां पर बच्चों रूट है क्या है रूट है बाद में आगे रूट है अब इस रूट के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल है उसको बोला जाता है एपीडर क्या है एपीडर इधर ध्यान देंगे सर क्या है एपीडर एपीडर के इनसाइड रहता है कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स इनसाइड रहता है एंडोडर्मिस क्या रहता है एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के इनसाइड पेरिसाइकिल क्या रहता है पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल के इधर क्या मिलेगा फ्लोइम और फ्लोइम के बाद में क्या मिलता है जाएला. ठीक है जी अरे ठीक है अब देखो जो ये बच्चों एंडोडर्मिस होती है एंडोडर्मिस के अंदर जो वॉल है उस वॉल के अंदर एक स्ट्रिप प्रजेंट रहती है वो स्ट्रिप डेवलप होती है सुबेरिन के डिपोजिशन से और उस स्ट्रिप को बोला जाता है ियन स्ट्रिप क्या बोला जाता है कैसपीरियन स्ट्रिप और अगर सुबेरिन के डिपोजिशन से बनती है तो आप बोल जानते हो सुबेरिन क्या करता है परमियबल बनाता है या इम परमीबल यानी यहां पर क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है ये कैसपीरियन स्ट्रिप है कैसे बनी है क्या सुबेरिन के डिपोजिशन से अरे किसके डिपोजिशन से सुबेरिन अब देखो इधर सभी ध्यान इधर ही रखेंगे बच्चे रूट हेस तक हम वॉटर को ले आए पहले मिनरल्स का एक्टिव एक्टिवशन किया और मिनरल्स का एक्टिव ऑब्जॉर्न किया तो अब वाटर है डिफ्यूज होके कहा गया रूट हेस अब रूट हेस के बाद में आगे वाटर टू पाथवे को फॉलो करता है एक तो पाथवे कौन सी है एपोप्लास्ट तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में एपोप्लास्ट के बारे में इसके बारे में बात करें सबसे पहले हम एपोप्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में बात करेंगे और एपोप्लास्ट पाथवे जो वाटर मॉलिक्यूल्स जब फॉलो करेंगे तो आपको कौन से मार्कर से नजर आएगी ग्रीन से ठीक है ना एपोप्लास्ट जो पाथवे वो एपोप्लास्ट पाथवे जब भी वाटर फॉलो करता है तो ये बच्चे मूव करता है सेल वॉल के थ्रू किसके थ्रू सेल वॉल या फिर इंट्रसेलर स्पेस के थ्रू किसके थ्रू इंट्रसेल स्पेस अगर सेल की सेल वॉल और इंटरसेलर स्पेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बोला जाएगा पाथवे को एपोप्लास्ट तो देखो इधर रूट हे से आगे एपिडर्मिस की सेल वॉल सेल वॉल में जा रहा है यानी ये बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई गई है सेल वॉल। और ये इंदर अंदर वाली लाइन क्या है बच्चे सेल मेम्ब्रेन दिखा देता हूं ये तो क्या है बच्चे सेल मेम्ब्रेन और ये क्या है इसके आउटर साइड

क्या एंडोडर्मिस से आगे जा पाएगा एंडोडर्मिस से आगे नहीं जा पाएगा क्यों नहीं जा पाएगा एंडोडर्मिस से आगे क्योंकि एंडोडर्मिस की वॉल के अंदर क्या है स्ट्रिप और कैशपीरियन स्ट्रिप किससे बनी होती है क्या सुबेरिन से तो इसको क्रॉस नहीं कर सकता यानी जब भी एपोप्लास्ट मूवमेंट होती है थ्रू सेल वॉल तो बच्चों कहां तक हो सकती है एंडोडर्मिस तक एंडोडर्मिस से आगे एपोप्लास्ट मूवमेंट नहीं हो सकता पॉइंट क्लियर है आपका अगर बच्चों और कहां से मूव करेगा तो इंटरसेलर स्पेस अब सेल वॉल है उस सेल वॉल से अगर डायरेक्टली इंटरसेलोर स्पेस में गया तो बताओ क्या बोलेंगे या सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट? एपोप्लास्ट और जब हम देखते हैं रूट के अंदर तो कोर्टिकल सेल होती है यानी जो कॉर्टेक्स की सेल होती है ये कॉर्टिकल सेल बच्चे लूजली अरेंज होती है कहने का मतलब इनके बिटवीन इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट होता है अगर इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट रहता है

ये एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो होती है तो किसके अकॉर्डिंग होती है क्या अकॉर्डिंग वाटर पोटेंशियल अरे बोलो अकॉर्डिंग कैसे रहेगी वाटर पोटेंशियल आप जानते हो वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कैसे मूवमेंट होगी क्या हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर कैसे रहेगी हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अब देखो अगली पाथवे अगली पाथवे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे रेड मार्कर से और अगली पाथवे का नाम है सिम प्लास्ट क्या नाम है सिम्प्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे कब बोलोगे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर देते हैं किसको सेल मेम्ब्रेन को जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे तो पाथवे को क्या बोला जाएगा सिम्प्लास्ट एक तो यहां से हम कहा ले जा रहे हैं क्या सेल वॉल के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं और बोलो क्या हमने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाया नहीं अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करवाया तो इस पांचवे को क्या बोलोगे आप एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट अब बच्चों, डायरेक्टली सेल और सेल के साइटोप्लाज्म तक वाटर गया डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म तक वाटर गया बताओ सिम्प्लास्ट बोलेंगे एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्यों क्योंकि इस वाटर इन वाटर मॉलिक्यूल ने क्या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है अब जो ये सेल्स से, है वो सेल सारी इंटरकनेक्टेड है और ये इंटरकनेक्टेड किससे आप लोग जानते हो एक स्ट्रक्चर होती है सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या उसको प्लाज्मो डेस्मेटा बोलते हैं क्या प्रेजेंट है प्लाज्मो डेमेटा इन प्लाज्मो डेमेटा से इंटरकनेक्टेड है तो ये अब वाटर और वॉटर वन सेल टू अनादर सेल बच्चे मूव करता हुआ जाएगा जब ये वाटर वन सेल टू अनादर सेल मूव करता हुआ जाएगा तो क्या थ्रू प्लाज्मोडेसमेटा अरे बोलो और थ्रू प्लाज्मो डेस्मेटा जब सिम प्लास्ट मूवमेंट करता हुआ जा रहा है साइटोप्लाज्म से मूवमेंट करता हुआ जा रहा है

और किसके थ्रू होती जाएगी प्लाज्मो डेसमेटा और प्लाज्मो डेसमेटा के थ्रू आगे की तरफ मूवमेंट होती जाएगी तो मूव होते होते ये वाटर कहां पहुंच जाएगा बच्चे जाइलम तक अरे कहां तक पहुंच जाएगा जाइलम तक क्या हमने सिम प्लास्ट पाथवे फॉलो करते हुए वाटर को जाइलम तक पहुंचाया लेकिन मुझे बताओ क्या एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करते हुए हमने वाटर को जाइलम तक पहुंचाया अभी तक कहां पहुंचा है एंडोडर्म अब एंडोडर्मिस से क्या करें क्या बच्चों एंडोडर्मी से आगे वॉल के थ्रू वाटर ले जा सकते नहीं क्या हम कोई और रास्ता ले सकते को क्रॉस करेगा अगर फाइनली वाटर वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो क्या बच्चे एपोप्लास्ट पाथवे फाइनली सिम प्लास्ट में कन्वर्ट होती है और सिम प्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद में ये वाटर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करते हुए बढ़ते हैं और आगे की तरफ मूव करते हुए कहां तक जाएंगे बच्चे जाइलम तक और कहां तक जाएंगे जाइलम तक और कंटिन्यूस है उस जाइलम के अंदर वॉटर वाटर को क्या करते रहते हैं लॉड क्या करते रहेंगे लॉर्ड यानी लोडिंग हो रही है कंटिन्यूअस वाटर की किसके अंदर जाइलम में अगला पॉइंट बच्चों एक हाइड्रिला प्लांट है उस हाइड्रिला प्लांट के अंदर हम देखेंगे तो साइक्लोसिस बहुत ज्यादा होता है यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा होती है

क्या बोलेंगे डेड सेल होल क्या होती है डेड इंटरसेलर स्पेस लिविंग नहीं होता तो बच्चे डेड पाथवे कौन सी होती है एपोप्लास्ट लिविंग पाथवे कौन सी होगी सिम ये किसको क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म जा रहा है अब कई लोग बोलेंगे सर एपोप्लास्ट को डेड कैसे बोल दिया फाइनली तो सिम प्लास्ट में कन्वर्ट हो रही लेकिन स्टार्टिंग तो एपोप्लास्ट ही हो रही ना तो इसको किसमें रखेंगे एपोप्लास्ट में क्लियर है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब प्लांट में कंटीन्यूअस ऐसे ही वाटर जाइलम तक ले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जाइलम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज्यादा और जो सोइल सोइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कम तो सर जाइलम से वाटर वापस कहां जाना चाहिए सोइल में यूनिडायरेक्शनल

जब बच्चों एंडोडर्मिस है उस एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की जो सेल है उस सेल की मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से वाटर का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो सकती बायडायरेक्शनल बाई मूवमेंट नहीं हो सकती यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर वाटर जा सकता है तो इधर से वाटर इधर ही जाएगा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली साइटो के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता यानी पेरिसाइकिल की जो सेल्स है उसमें वाटर कहा जा सकता है जाइलम में जाइलम से वापस नहीं आ सकता क्योंकि मूवमेंट कैसी होती है ठीक है जी अब आप यूनिडे सर गलती से अगर गलती से वाटर वाटर आ गया सेल वॉल के अंदर और एपोप्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करते हुए चला गया एंडोडर्मिस एंडो तक और एंडोडर्मिस की यहाँ के तब तो आना चाहिए तब भी नहीं आएगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन कैसी मूवमेंट करवाता है यूनिडायरेक्शन और अगर यूनिडायरेक्शनल करवाता है इधर तो ये बच्चे अंदर नहीं आने देगा वाटर को यहां से बाहर जा सकता है बाहर जा सकता है लेकिन अंदर नहीं आ सकता अगर अंदर नहीं आ सकता तो वापिस बाहर नहीं जा सकता क्लियर अब आपसे पूछा जाए कि एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हुए एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हुए जाइलम से वाटर सोइल में वापिस क्यों नहीं जा पाता है उसका रीजन क्या है कैशपीरियन स्ट्रिप अरे क्या बच्चे कैशपीरियन स्ट्रिप अरे समझ में आया क्या या ऊपर से जा रहा है अरे आ रहा है ना समझ में चलो फिर अगला क्वेश्चन पूछता हूं अगर बच्चों यंग प्लांट की बात करें तो यंग प्लांट और यंग प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि डायरेक्टली वाटर है उस वाटर को जाइलम के अंदर लोड कर दिया जाता है डायरेक्टली वाटर को किस में लोड कर दिया जाता है जाइलम में ऐसा क्यों डायरेक्टली किसके अंदर लोड कर दिया जाता है वाटर को एपोप्लास्ट पाथवे से एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करते हुए डायरेक्टली वाटर को यंग लीफ के यंग रूट और यंग रूट के अंदर जाइलम तक ट्रांसफर कर दिया जाता है ऐसा क्यों आ? बिल्कुल जब यंग रूट होती है तो यंग रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता अगर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता तो फिर बच्चे जो एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस की वॉल के अंदर सुबेरिन डिपोजिट नहीं होती है स्ट्रिप नहीं बनती अगर नहीं बनती तो बताओ यहां से जो मूवमेंट करता हुआ जा रहा है वॉटर डायरेक्टली यहां तक जाएगा और बोलो अगला पॉइंट अगर और अगर हम बात करें तो बच्चे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एसोसिएशन करते हैं किसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अगर बच्चे फंगस और हायर प्लांट्स की रूट के बिटवीन सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस एंड हायर प्लांट्स की रूट के बिटवीन अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उसको बोला जाता है माइकोराइजा क्या बोला जाता है माइकोराइजा 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 फॉर्म करता है एक पाइनस भी पाइनस एक जिम्नोस्फम है क्या बच्चे जिम्नोस्फम और पाइनस उस पाइनस का जो सीड होता है उसका सीड कोट बच्चों बहुत ज्यादा हार्ड होता है अगर बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो उसके सीड कोट को ब्रेक करना आसान नहीं होता तो सबसे पहले क्या किया जाता है फंगस और फंगस जब बच्चों के सीड है उस सीड के साथ में सिंबायोटिक एसोसिएशन करता है तब भी सीड जर्मिनेट हो पाता है क्यों क्योंकि उसके अंदर सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड है फंगस वाटर को एब्सोर्व करके क्या देगा सीड को ज्यादा देगा तो फिर बच्चे उस सीड सीड कोट कोट और क्या होगा वहां से ब्रेक इसके अलावा फंगस क्या करता है वहां पे एंजेम रिलीज करके बच्चे जो सीड कोट है उसको क्या बना देता है सॉफ्ट अगर सॉफ्ट बना देगा तो क्या इजीली उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और जब जर्मिनेशन होगा तो उसके बाद में पाइनस और पाइनस की रूट के साथ में सिम्बैटिक एसोसिएशन कर लेता है कौन फंगस और वो कंटिन्यूस बच्चों वाटर एब्जॉर्ब करके देता है तो माइकोराइजा उस माइकोराइजा कंडीशन के अंदर रूट्स उन रूट रूट प्लांट की के अलावा भी भी कुछ अदर ऑर्गेनिज्म वाटर करने में हेल्प करते हैं और वो कौन है बच्चे फंगस अरे क्या है फंगस ठीक है जी अगला पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या आता है बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हटा दूं कोई बात नहीं टाइम हो गया तो अपना ही टाइम है बच्चे क्लास है कितने बजे से तीन बजे से तो दो घंटे पड़े अच्छा खाना का भी खाना है खाना तो सुबह से खा रहे हो है? नहीं खाया सही बात है हर ब्रेक में खाते हो फिर भी बोलते हो नहीं खाया नहीं खाते हो हर ब्रेक में झूठ नहीं बोलते ध्यान रखना आज नहीं खाया है जब भी मैं पूछता हूँ यही आता आंसर है चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट टेस्ट का सिलेबस बता रखा है ना कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी Thank you, Achoo.